हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करेंगे और सेटअप करेंगे उषा मैक्स एयर पेडेस्टल फ़ैन का। तो ये फ़ैन मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया है, जिसकी एमआरपी है 2490 रुपये, और ये मुझे सेल में मिला लगभग 2000 के आसपास। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और ओपन करके एक एक कंटेंट्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है और कैसे इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ बॉक्स पर कुछ फ़ीचर्स इसके मैंशन किए गए हैं, इसका फ़ैन और जो इसकी बाकी जो फ़ीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। इस साइड पे यहाँ पे इसके एमआरपी और बाकी डिटेल्स मेंशन किए गए हैं। तो जैसा देख सकते हैं, ये बॉक्स मुझे जो मिला है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव था, शायद कुरियर कंपनी ने इसको थोड़ा सा सही से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से ये फट गया है। और इस पे जो वारंटी मिलती है वो 2 साल की वारंटी है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये मिलता है, हमारा स्टैंड का एक पोर्शन है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ये फ़ैन का जो जाली है ऊपर की तरफ, और इसका फ़ैन का जो ब्लेड है वो, और इसके अंदर कुछ पेपर्स हैं कि इस फ़ैन के जो ब्लेड को किस तरीके से टाइट करेंगे। तो जितना भी इंस्ट्रक्शन है सब दिया गया है। जो इसका स्टैंड है देख सकते हैं, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, जो फिनिशिंग है काफ़ी स्मूथ है, लेकिन जो इसके नॉब्स और बाकी सॉकेट्स दिए गए हैं वो प्लास्टिक के हैं, पाइप जो इसका मेटल है। और जो इसका फ़ैन दिया गया है, इसकी जो क्वालिटी है वो प्लास्टिक है, तो ब्लेड आपका प्लास्टिक का मिलता है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसकी प्लास्टिक की हैं, जो कुछ चीज़ें छोड़ करके, जैसा कि ये जो इसका केज है ऊपर का जो ब्लेड को सिक्योर करता है, और जो पाइप है और जो इसका बेस है इसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें इसकी प्लास्टिक ही हैं। तो यहाँ इसका ये फ्रंट साइड का कवर है, इसको अभी साइड में रखते हैं और इसके अंदर देखते हैं। तो ये मिलता है हमारा बेस, जिसको जिस पे कि हम वो पाइप को माउंट करेंगे। तो ये बेस काफ़ी हैवी है। और उसके बाद हमें मिलता है ये बेस के ऊपर लगाने के लिए एक कवर, और फाइनली मिलता है हमको हमारा मोटर, जिसके इस मोटर में जो ऊपर का पोर्शन है ये सबसे ऊपर का पोर्शन है, और इसमें आपका सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, इसमें हमारा मोटर लगा हुआ है। तो मेन यूनिट आपका यही है, इसको माउंट करेंगे हम अपने पाइप के ऊपर और पाइप को माउंट करेंगे इस बेस पे। इसके अंदर आपको मिलता है उषा का ये वारंटी कार्ड। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम फ़ैन को असेंबल करेंगे। तो चलिए पहले फ़ैन को असेंबल करते हैं। और देखेंगे इस तरीके से हमारे जो फ़ैन की असेंबली है वो कंप्लीट हो गई है। तो जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, जो मटेरियल यूज किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। केबल का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, लेकिन ओके लेंथ है। जो इसकी हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब जितना सफिशिएंट है, आपके फेस पे हवा लगती है अगर इसको आप फुल हाइट पे रखेंगे, आप खड़े रहेंगे सामने दूर भी तो भी आपके फेस पे हवा जाएगी। पीछे बटन दिया गया, वहां से आप इसको रोटेशन जो है इसका ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें 3 बटन दिए गए हैं, 3 स्पीड है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके दिया हुआ है 3 बटन, और इसको ऑन ऑफ भी वहाँ से करने का 1 बटन दिया गया है। तो अब बात करते हैं जो इसकी हवा है वो कितनी तेज़ है। एक्चुअली अगर कही जाए तो अगर आपको जनरल पर्पस से लेना है कि आपको एक फ़ैन चाहिए बस नॉर्मल हवा के लिए, तो आप इसको ले सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बहुत फर्राटेदार हवा आएगी सामने से और बहुत दूर तक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।